शुक्रिया. और अब चलते चलते जल्दी से जिन कलाकारों को बुलाएंगे उनका नाम पुनीत था. पुनीत कौर है? पुनीत कहाँ है? आ जाइए, क्योंकि पुनीत ने बहुत अच्छी अचीवमेंट्स की कहना चाहिए कि उनकी झोली में है. बहुत कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर पाना बहुत खुशी होती है ऐसे टैलेंटेड कलाकारों को देखकर. अभी लास्ट मंथ दिशा चैनल पर एक खोज सितारों की रियलिटी शो का आयोजन किया गया था, और उसमें रविंद्र जैन साहब या मणिप्रसाद जी, पंडित मणिप्रसाद जैसे बहुत ही जाने माने कलाकार, शास्त्रीय संगीत और फिल्म और भजनों के, रविंद्र जैन जी का नाम हम सब जानते हैं, तो वो लोग जज के तौर पर आए थे और उसमें उन्हें सेकेंड पोजीशन हासिल हुई थी पुनीता को. तो इरादा है कि आगे ऐसी और मंजिलें, ऐसी और उपलब्धियाँ उनकी जो आती रहें. तो पुनीता और साथ में उनके हैं जो कलाकार सुरेश कुमार, इन दोनों को आपके सामने हम चाहेंगे. सन्यासी फिल्म का गीत एक तो गाना है जो हेमा जी और मनोज कुमार जी चराइज किया गया है, उसी एक दो गीत को जो फिल्म के टाइटल के साथ जुड़ा हुआ गीत है चल सन्यासी मंदिर में, उसी एक दो गाने के साथ सुरेश और पुनीता आपके सामने. चल सन्यासी मंदिर में, मंदिर में, मंदिर में, ओ चल सन्यासी मंदिर में. Thank you.
तेरे अंदर में धर्म छोड़कर धन छोड़कर पाप नहीं अपनाएंगे मुकेश जी के इतने फैन हैं, अच्छा गाते हैं मुकेश जी की आवाज के गीत और इतने अपने बेटे का नाम भी नितिन रखा हुआ है ना तो मुकेश जी के प्रति इतनी श्रद्धा है मन में और इतना समर्पण है और उनके गीतों को बहुत अच्छा गाते हैं तो मुकेश जी के बेटे का नाम नितिन नितिन मुकेश है और मैंने भी 1989 में बेटे का नाम नितिन रखा मैं मुकेश जी का इतना फैन हूं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी और पुनीत के लिए बहुत सारी दुआएं शुभकामनाएं।